लोगों को बहुत ग्लैमरस लगता है ड्रॉप आउट, एंड ड्रॉप आउट से मिलियनर बन जाएंगे, ड्रॉप आउट से अपन कुछ बड़ा कर जाएंगे। सो मेरे बाद भी मेरे कॉलेज के काफ़ी जूनियर्स मैसेज किए, सर आई वॉन्ट टू ड्रॉप आउट, तो मैं उनको क्लियर बोलता था नहीं भाई ये रास्ता नहीं होता है पहली बात। सो अगर आपको ये चीज़ बहुत फैंटेसाइज करती है, मैं आपको बताता हूँ कि आपको एक ड्रॉप आउट दिख रहा है, लाखों ड्रॉप आउट अभी बैठे हुए हैं, दे हैव नॉट मेड इट बिग, तो इसको कभी भी फैंटेसाइज मत करो। सी ड्रॉप आउट करने के लिए ड्रॉप आउट करना है बहुत बेवकूफ़ी लगती है मुझको, ये दिखाने के लिए कि अब मैं ड्रॉप आउट करके कुछ बड़ा कर जाऊंगा लाइफ में। यार तुमने वो कोर्स किसी चीज़ से सोच के लिया था ना, अब बीच में ड्रॉप आउट करके खुद ही की सोचो गलत प्रूफ कर रहे हो पहली बात तो, है ना। अगर तुम्हारे पास डेफिनेट कोई ऐसा मकसद आ गया है और तुमको दिख रहा है वहाँ काम नहीं बन सकता। मैंने ड्रॉप आउट जो किया था वो सिचुएशन ये थी कि वन ऑफ माई फ्रेंड कॉल्ड माई सिस्टर एंड ही सेड टू हर कि इसको वापस बुला लो यहाँ मर जाएगा, ये यहाँ एक कुछ नहीं कर पाएगा, इसकी सारी उम्मीदें सब यहाँ पे मरने वाली हैं। तो अलग सिचुएशन थी वो एकदम, उसको मैं याद नहीं करना चाहता हूँ दिनों, कोई अच्छा फेज नहीं है मेरी लाइफ का वो, उसको याद कर मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज जो आपने पूछी कि मैंने क्या डिफरेंट कर लिया या क्या ऐसा कर लिया, भाई मैंने कुछ डिफरेंट नहीं किया, सर ने बोला क्या है आसान है, तो वो एकदम सही बात है, मैंने कुछ डिफरेंट नहीं किया, जो सेट ऑफ रूल सिंपल थे उनको फॉलो किया और ट्रस्ट किया अपने ऊपर। मैंने किसी अलग पांडे से क्वेश्चन नहीं पूछा मुझे क्या डिफरेंट करना है, मेरे को जो खुद सही लगा मैंने वो किया, हर स्टेप पे अपने हिसाब से अपने डिसीजन लिए। मैं ये श्योर था कॉलेज छोड़ते वक्त कि मुझे पढ़ाना हो मैं पढ़ाने में करके दिखा दूंगा, हमने जो डिसीजन लिए उस पे मैं लगा रहा कि इसको मैं सही करके दिखाऊंगा। ऐसे कोई भी डिसीजन आप लोगे हर चीज में ऊपर नीचे चलता रहता है, सो यू हैव टू स्टिक टू इट और फिर उसको डिफेंड करना होता है, और कई बार बहुत बुरे फेजेस आते हैं तो उसमें भी आपको होल्ड ऑन करना होता है, तो मैंने उन फेजेस को होल्ड ऑन किया और मैं चलता रहा। ये था मेरे पास भी जॉब ऑफर्स थे, सबको पता है एक एक करके जॉब ऑफर्स चेंज होते गए। मेरे पास एक बार बीच में एक मार्केटिंग का जॉब ऑफर हुआ था, मैं कभी डिस्क्लोज नहीं किया, ये इनिशियली आ गया था 6 लाख रुपए का मार्केटिंग का जॉब ऑफर, बिकॉज आई वॉज गुड इन स्पीकिंग स्किल्स, तो मार्केटिंग का जॉब ऑफर आ गया था, तो आई डिनाइड दैट क्योंकि मुझे पढ़ाना था, तो अपने गोल में मैं स्टिक था और क्या।